Hello, good morning everybody. Once again I am Asukos with the new topic. आज हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण. ओके, तो आप पहले फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, जहां दो चार्ज बॉडी का सिस्टम होता था. तो डायपोल के कारण आप डायपोल एक्सिस पे निकाल लिए थे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकाल लिए थे और किसी पॉइंट पे भी निकाल लिए थे एट एनी पॉइंट. तो ये सब सिचुएशन एक पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण था, तो वो निकाल लिया. अब अगर चार्ज कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, अब बॉडी एक पॉइंट चार्ज के रूप में नहीं है, बॉडी एक्सटेंडेड है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रूप में हो, तब हम फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां हम कूलॉम्स लॉ को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ठीक है, कूलॉम्स लॉ का ये लिमिटेशन है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बॉडी, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी. तो एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के कारण अगर इंटेंसिटी निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो उस चार्ज बॉडी को हम छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बॉडी में ब्रेक करेंगे और एक छोटे से चार्ज बॉडी के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर उसमें कैलकुलस लगा के इंटीग्रेट करके टोटल बॉडी के कारण निकालेंगे. तो ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है. तो अब इसे हम लोग देखते हैं अलग अलग केस में. तो जो पहला केस हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं चार्ज्ड सर्कुलर रिंग. एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सर्कुलर रिंग, और उसके कारण हम फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ये आपका पहला केस होगा. हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे वन बाय वन. तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करें, तो जरा फिगर को ध्यान से देखेंगे. पहले एक हम सर्कुलर रिंग बनाए, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग बना लिए. अब इस सर्कुलर रिंग का हम एक उसने कुछ सेंटर होगा तो वो सेंटर बना लिए और कुछ ने कुछ इसका रेडियस होगा, तो मान लेते हैं इसका रेडियस ए है. ओके, ये रेडियस ए है. अब इस रिंग पे आपने चार्ज डाला, तो मान लीजिए इस पे हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. तो अब ये जो बॉडी बन गया, इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज बॉडी. इसमें पॉइंट चार्ज बॉडी में हम बॉडी के साइज को इग्नोर करते हैं, लेकिन यहां हम इसके साइज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ओके, तो अब रिंग लेके, सेंटर लेके, रेडियस लेके इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब देखिए सेंटर से हम आर डिस्टेंस चलते हैं और हमें कोई पॉइंट मिलता है पी. अब इस पी पॉइंट पे आप फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं. ई पी इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा. तो ये बॉडी तो पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है कि हम डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ यूज कर सके, तो इसे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में हम लोग ब्रेक करेंगे, छोटा छोटा चार्ज. तो हम मान लेते हैं कि ऊपर हम एक छोटा सा हिस्सा, इस रिंग का छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करते हैं, इसका लेंथ है डीएल, छोटा सा हिस्सा हम सिलेक्ट किए. तो अब इस डीएल पे कितना चार्ज मौजूद होगा, तो अगर इसका ये जो रिंग है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा दिया हुआ हो, लेमडा मीन्स व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है. ओके, तो देखिए यहां पे रेडियस ए है, तो ये टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया 2πa. तो आपने 2πa डिस्टेंस पे कितना चार्ज डाला है, क्यू चार्ज डाला है. तो Q में 2πa से डिवाइड कर दे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया, तो लेमडा निकल गया. तो यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है ये पता चल गया. तो हमने जो dl लेंथ माना है, तो dl लेंथ पे छोटा सा कितना चार्ज होगा, इसको अगर हम dq से लिखें तो dq विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू dl हो जाएगा. तो इस छोटे से हिस्से पे कितना चार्ज मौजूद है ये निकल गया. अब इस छोटे से हिस्से के कारण हम पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं आप कूलॉम्स लॉ से, क्योंकि इस छोटे से चार्ज बॉडी को हम अब पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं. तो इस चार्ज बॉडी के कारण अब
पी पॉइंट पे कितना फील्ड इंटेंसिटी है, तो इस पॉइंट से हम पी को जोड़ें और डिस्टेंस निकालें पी पॉइंट पे। अब ये एक पॉइंट चार्ज बॉडी के रूप में ट्रीट होगा और इससे हम सर्टेन डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे जा रहे हैं तो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस निकाल लें, तो रेडियस ए दिया है, ये दूरी ए है और ये दूरी आपका आर है, तो नेचुरल है ये दूरी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। तो अब इस छोटे से हिस्से के कारण हम फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं और इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा हो जाएगी इधर की ओर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन से इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो ये दिशा हो जाएगी फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, तो एक छोटे से हिस्से के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। अब ऐसा ही छोटा छोटा हिस्सा आपको पूरे रिंग में बहुत सारा होगा, तो आपको सबके कारण फील्ड इंटेंसिटी निकाल के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स ये जो डी आया इसको हमको वेक्टोरिकली इंटीग्रेट करना होगा, तो वेक्टर का इंटीग्रेशन हमें सीखना होगा। तो इसका एक और भी उपाय है, हम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगा के देखें प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री क्या करता है। तो जैसे हम ऊपर एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट किए हैं, अगर ठीक उसके नीचे अगर हम फिर एक छोटा सा हिस्सा चुने उतने ही लेंथ का, तो उस पे चार्ज भी फिर लेमडा डीएल आएगा और इस छोटे से हिस्से के कारण अगर हम फिर पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालें तो इसकी दिशा किधर होगी, तो ये तो वही दूरी हो गई, अब इसकी दिशा ऊपर की ओर रिपल्सन होगा तो इस दिशा में होगा, वैल्यू सेम ही होगा और दिशा ऊपर की ओर हो जाएगा। तो अब देखिए, तो एक पार्ट के कारण फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में और दूसरे पार्ट के कारण फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की हो, तो अगर इन दोनों को हमको सिर्फ जोड़ना हो तो क्या करना होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री देखेंगे, तो देखेंगे इस डी का ऊपर की ओर का कंपोनेंट और इस डी का नीचे की ओर का कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो इन दोनों का केवल एक्स दिशा का कंपोनेंट, इधर हम एक्स दिशा मान लें ऊपर वाई मान लें, तो इन दोनों ही का अगर हम एक्स दिशा का कंपोनेंट ऐड कर लें तो हमें ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। तो इसी तरह हम हर का एक एक पेयर बनाएंगे, एक ऊपर नीचे बनाए, तो दो हर दो दो पेयर बना के देखेंगे तो सबका वाई कंपोनेंट खत्म होता जाएगा, सबका सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, तो केवल हम एक्स कंपोनेंट अगर निकाल लेते हैं तो काम आपका हो जाता है। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल कंसेप्ट कि हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब एक एक करके हम देखें डेरिवेशन को कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या किए, एक चार्ज सर्कुलर रिंग ले लिए, रेडियस ए हो गया, टोटल चार्ज क्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हम सबसे पहला काम किए लेमडा का वैल्यू निकाले और उस छोटे से हिस्से पे कितना चार्ज है ये वैल्यू निकाल लिए। तो देखिए लेमडा का वैल्यू क्यू बाई टू पाई ए आ गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो जो छोटा सा हिस्सा डी क्यू चुने उस पर कितना चार्ज हो गया, तो लेमडा इंटू डी एल, तो क्यू बाई टू पाई ए इंटू डी एल। अब इस छोटे से चार्ज के कारण क्या फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे डाल दिए 1/4πε0। अब जो चार्ज है वो कितना है, तो चार्ज आपके पास डी क्यू है और दूरी कितनी थी, तो दूरी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, उसका हम स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच गया। अब डी क्यू का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, डी क्यू का वैल्यू है क्यू इंटू डी एल बाई टू पाई ए, ये डी क्यू का वैल्यू हो गया और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये पहले से है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रह गया। तो ये आपका छोटा सा फील्ड इंटेंसिटी निकल गया जो आपने ऊपर करेंट एलिमेंट माना था, जो छोटा सा एलिमेंट आप माने थे चार्ज एलिमेंट उसके कारण। ओके, तो अब हमें ई को
इंटीग्रेट करना है ऐसा ही छोटा छोटा हिस्सा आपको मिलेगा, तो दिस इज योर वेक्टर इंटीग्रेशन। अब टोटल फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें इस छोटे से डी को वेक्टोरिकली इंटीग्रेट करना होगा, डायरेक्शन देखते हुए जोड़ना होगा। तो इसे हम सिंपल कैसे बनाएंगे, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री यूज किए और प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री से देखे कि वाई दिशा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल एक्स दिशा का जोड़ना है, तो एक्स दिशा का कंपोनेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, तो एक बार फिर से हम लोग फिगर पे देखेंगे तब ये क्लियर होगा कि डी कॉस थीटा कैसे आया। देखिए, अगर हम मान लें कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये ऊपर का एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इस डी का एक्स दिशा का कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा और वाई दिशा का कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये डी साइन थीटा नीचे वाले के डी साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स दिशा का कंपोनेंट और एक्स दिशा का कंपोनेंट है डी कॉस थीटा। ओके, और कॉस थीटा हम यहां से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो बी हो गया ये दूरी आर और एच हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। तो इन दोनों वैल्यू को हम वहां डाल दें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आया। अब जो रिजल्ट आया डी कॉस थीटा का वैल्यू, तो हम डी का पहले वैल्यू डाल दिए 1/4πε0 QDL by 2πa a square plus r square, और cos थीटा देखे हैं, cos थीटा r by root under a square plus r square है, ठीक है, तो इन सब का वैल्यू हम डाल दिए तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, तो नीचे a square plus r square और root under a square plus r square, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया, ठीक है, और बाकी सारा कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लिए, 1/4πε0 बाहर आ गया, क्यू और आर ये दोनों फिक्स है, क्यू आर भी बाहर आ गया, 2πa भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, यहाँ बदलने वाला टर्म सिर्फ डीएल है, जो हमने छोटा सा लेंथ का जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है वो। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप देखिए कि अगर ये जो रिंग है इसमें छोटा सा आप लेंथ चुने हैं और ऐसा ही लेंथ है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमको रिंग का सरकमफ्रेंस मिल जाएगा और सरकमफ्रेंस होगा 2πa, तो dl को इंटीग्रेट करके हम 2πa लिख सकते हैं। ओके, तो अब 2πa हम डाल चुके हैं, अब सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है, तो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिए, अब वैल्यू डालिए, तो 1/4πε0 ऑलरेडी है क्यू आर और 2πa ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है और डीएल के जगह 2πa डाल दिए, ये 2πa और ये 2πa कट गया, तो अब आपके पास बचा क्यू आर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। नाउ दिस इज योर फील्ड इंटेंसिटी, और आप देखे हैं फील्ड इंटेंसिटी किधर था, इसकी दिशा थी एलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई वाला सब कैंसिल हो जा रहा था, एलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो वाई वेक्टर होता है, अगर हम इसमें आई से गुना कर लें 1/4πε0 क्यू आर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और इसमें आई से गुना कर लें, ये मेरे वेक्टर फॉर्म में बदल जाएगा, तो ई का जो वैल्यू है ये वेक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट हो गया। तो अब एक आप सर्कुलर रिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं, तो देखें हम कैसे कूलॉम्स लॉ को यूज किए, कैलकुलस की सहायता आपको लेनी पड़ी, उस बॉडी को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करना पड़ा, एक छोटे से हिस्से के कारण इंटेंसिटी निकाल लिए और फिर कैलकुलस लगा के हम उसको पूरे बॉडी के लिए निकाल लिए। तो यही कंसेप्ट हम लोग हर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉब्लम्स में करेंगे। अब देखिए, अब अगर हम कुछ इसका स्पेशल केस देखें कि अगर हम आर का वैल्यू जीरो कर दें तो क्या होगा,
तो हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। आप रिंग से रिंग जो बनाए हैं इसके सेंटर से आप आर दूरी चले थे तब पॉइंट पी मिला था। अगर हम इस आर को धीरे धीरे कम करते जीरो कर दें तो आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो आर का वैल्यू जीरो डाल देना है, तो आर का वैल्यू आप जीरो डालिए फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में अगर आर का वैल्यू आप यहाँ जीरो डालेंगे, यहाँ जो क्यू आर है यहाँ आर का वैल्यू अगर जीरो डालिएगा तो टोटल टर्म ही जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपका फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो आर का वैल्यू हम जीरो लिए एट द सेंटर, तो ई का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, अब आर इनफाइनाइट लेंगे तो ई का वैल्यू क्या होगा? तो ई का वैल्यू यहां भी इन्फिनिटी होगा। ओके, इनफाइनाइट सॉरी, आर का वैल्यू आर इन्फिनिटी लेंगे बहुत दूर चले जाएंगे तब भी ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक बीच में सर्टेन मैक्सिमम मिलेगा, तो उसका वैल्यू हम निकाल के देखें। ठीक है, तो इट शुड हैव अ सर्टेन मैक्सिमम, मैक्सिमम आर जीरो और आर इन्फिनिटी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ई का एक हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हमें फिर कैलकुलस यूज करना होगा और मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट को यूज करें। देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप जानते हैं ई का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका हम अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो डी ई एक्स जो हम निकाले हैं 1/4πε0 क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये मेरा ई का वैल्यू है। इसको आर के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएट करें और उसको जीरो के बराबर कर दें तो इससे हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा कि किस वैल्यू आर के किस वैल्यू पे ई मेरा मैक्सिमम। तो देखिए 1/4πε0 क्यू, ये सब कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो बच गया डी आर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आपको सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यही वेरिएबल टर्म है, तो इसको डिफ्रेंसिएट कीजिए। तो इसको हम डिफ्रेंसिएट कैसे करेंगे? तो हम यू बाई वी के फॉर्मूला को यूज करेंगे। आप पढ़े होंगे यू बाई वी का डिफ्रेंसिएशन, तो फॉर्मूला है वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ वी के जगह पे है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। देखिए ये टर्म तो जीरो होगा नहीं, ये टर्म जीरो नहीं है और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो बना रहे हैं आप, तो इसका मतलब यही जो टर्म है यही जीरो होगा, तो इसको हम हटा लिए। तो यहाँ भी का टर्म है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये भी हो गया। अब डी यू बाई डी एक्स, तो डी आर बाई डी आर, तो ये वन हो जाएगा, माइनस यू आर को बाहर कर लिए। अब इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी आर, और नीचे है वी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे हम अगर तो देखिए क्या आता है। तो ये डी आर बाई डी आर वन हो गया, तो इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और यहाँ आर है ही, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 को लेंगे तो एन एक्स एन माइनस वन आएगा, तो ए 3/2 पावर है तो 3/2 बाहर आ गया, और ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस वन करेंगे तो 1/2 आ गया, और फिर इधर आर स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका 2 आर आ गया। तो अब इस 2 से हम इस 2 को हटा लिए तो आपको रिजल्ट मिल गया ए स्क्वायर, गुना भी करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2 है, तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1/2 ले लिए तो 1 पावर बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा 3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म फिर जीरो नहीं होगा, तो इधर का टर्म जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू हो जाएगा ए बाई
रूट टू प्लस माइनस साइन के साथ। मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो सर्कुलर रिंग का सेंटर है उससे ए बाय रूट टू दूरी चले आइदर लेफ्ट में या राइट में, क्योंकि एक आर का वैल्यू आपको आया है ए बाय रूट टू प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो आर का वैल्यू इतना आया तो आप सेंटर से राइट में चलें ए बाय रूट टू दूरी, या सेंटर से लेफ्ट में चलें ए बाय रूट टू दूरी, ठीक है। यू विल गेट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू मैक्सिमम होगा क्योंकि सेंटर पे भी ई जीरो है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी ई जीरो, और बीच में यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा तो आप उस फॉर्मूला में आर का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। जो रिजल्ट आपको पहले मिला था उसमें आर का वैल्यू ए बाय रूट टू डाल दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए तो ई का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाए, ओके, ठीक है। अब इसको हम एक ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ग्राफ बना के देखें कि अलग अलग सिचुएशन में कैसा फिगर है। देखिए ग्राफ बना के देखिए, तो आप ये सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, सर्कुलर रिंग का रेडियस ऑलरेडी आप एज ले चुके हैं, ये सर्कुलर रिंग हो गया, ठीक है। अब सर्कुलर रिंग ले लिए सेंटर ओ हो गया, तो ओ पे आपको फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो मिल रहा है तो ओ का वैल्यू यहाँ जीरो आ गया। अब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़े तो एक्स का वैल्यू हम जब ए बाई टू लेंगे तो ई का मैक्सिमम वैल्यू मिला, तो ई का वैल्यू मैक्सिमम आपको मिल गया यहाँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, इतना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 1/4πε0 2q/√3a² और उसके बाद जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे ई का वैल्यू आपका धीरे धीरे घटता चला जाएगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये जीरो हो जाए। और जब हम इससे लेफ्ट की ओर चलेंगे तो राइट अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट हमें निगेटिव लेना होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो अब इसको नीचे की ओर ग्राफ को बनाएंगे और फिर ए बाय रूट टू दूरी पे अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस ए बाय रूट टू दूरी पे आएंगे निगेटिव में तो फिर हमें ई का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और जैसे जैसे हम दूर बढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे इनफाइनाइट की ओर बढ़ जाए, जीरो की ओर बढ़ जाए, ओके। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना के सर्कुलर रिंग का देख सकते हैं, ओके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के कारण निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। कैसे हम कूलम्स लॉ को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो ये पहला केस हुआ, अगले केस में हम लोग इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण निकाल के देखेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को आप गॉसेस लॉ से भी फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखे थे तो वहां डेरिवेशन बहुत सिंपल था और उसी डेरिवेशन को हम कूलम्स लॉ से निकाल के देखेंगे अगले क्लास में। और देखेंगे यहाँ डेरिवेशन थोड़ा लंबा है और यही आपको प्रूफ भी करेगा कि कूलम्स लॉ से ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉ मेरा गॉसेस लॉ।